ओम शांति। आज आप सुनेंगे मध्य प्रदेश के एक गांव के रहने वाले माही भाई जी का अनुभव। माही बताते हैं कि बचपन से ही वो बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति के थे। वे बहुत शरारती थे और पढ़ाई करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सभी लोग उन्हें बहुत कमजोर समझते थे क्योंकि कोई भी काम वे ठीक से नहीं कर पाते थे। इसी वजह से वो हमेशा चिड़चिड़ाते थे। माही बहुत छोटी उम्र से ही अकेले में शांति में सबसे दूर रहना पसंद करते थे। एक बार गर्मी की छुट्टियों में उनकी माता जी उन्हें अपने साथ अपनी बहन के घर लेकर गईं। माही की मौसी ने ये महसूस किया कि माही सबसे दूर अकेले में रहते हैं, ज्यादा बोलते भी नहीं और उनका स्वभाव बहुत ही चिड़चिड़ा रहता है। तब उन्होंने माही को बहुत प्यार से अपने पास बुलाया और उनसे ज्ञान की बातें करने लगी। उस समय माही 13 वर्ष के थे। माही को मौसी की बातें बहुत अच्छी लग रही थी। उन्होंने मौसी को कहा कि आप मुझे ये सभी ज्ञान की बातों को और गहराई से बताइए। तब मौसी उन्हें अपने साथ ब्रह्मा कुमारी सेंटर लेकर गई, जहां उन्हें ज्ञान बताने के साथ साथ चित्रों के द्वारा दिखाया और समझाया गया। सेंटर वाली दीदी ने उन्हें प्रतिदिन मुरली पढ़ने और योग करने की सलाह दी। इस तरह माही के जीवन में थोड़ा बदलाव आया, लेकिन गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गईं और माही वापस अपने गांव आ गए। लेकिन उनके गांव में कोई ब्रह्मा कुमारी सेंटर नहीं था और उनके घर में केवल भौतिक बातें ही हुआ करती थीं कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे बिजनेस करना है, नौकरी करनी है इत्यादि। न ही ज्ञान की किसी को समझ थी और न ही कोई परमात्मा की बातें करता था। तो माही को सेंटर वाली दीदी की बात याद आई कि कुछ भी हो, आप रोज मुरली सुनो और योग करो। तब माही ने दो बातों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। अब वो रोज सुबह 5 बजे उठने लगे। माही कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि बाबा के महावाक्यों का पालन कैसे करना है और योग में क्या अनुभव करना है। फिर भी मैं प्रतिदिन मुरली पढ़ता था, श्रीमद का पालन करता था और उनके बताए अनुसार योग लगाता था। मैं अपने दिल की सारी बातें शिव बाबा को बताया करता था और घंटों बाबा से अकेले में बातें किया करता था। इससे मेरे स्वभाव में बहुत बदलाव आया। अब कोई भी बात मुझे परेशान नहीं करती थी। मैं हमेशा बहुत शांत रहता था और हर क्षण मुझे ऐसा अनुभव होता जैसे हमेशा कोई मेरे साथ है। धीरे धीरे समय बीतता गया और परम पिता में मेरा विश्वास और भी गहरा होता गया। समय के साथ सत्यता, ईमानदारी, शांति, संतोष जैसे गुण परम पिता की कृपा से मुझ में विकसित होते चले गए। मैं हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार रहता, कभी कोई गलत कार्य नहीं करता, किसी पर गुस्सा भी नहीं करता और हमेशा शांत स्वभाव में रहता था। और परम पिता की कृपा से मैं पढ़ाई में भी काफी होशियार हो गया था। इस तरह बाबा की याद में मेरे 5 साल बीत गए और अब मैंने 12वीं की परीक्षा पास कर ली है और अपने कॉलेज की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन अभी हाल ही में मेरे साथ एक घटना घटी। बात 27 जून 2021 की है। मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया और कोरोना महामारी के कारण सभी हॉस्पिटल्स में भी बहुत सख्ती कर दी गई। हॉस्पिटल में मरीज के साथ केवल एक व्यक्ति को ही जाने की अनुमति दी जा रही थी, जिसके लिए पास मिलता था। बात 1 जुलाई 2021 की है। मैं हॉस्पिटल के बाहर कुछ खाने पीने के लिए निकला, तभी एक व्यक्ति मेरे पास आया और मुझसे बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा कि हॉस्पिटल के ऊपर वाले हिस्से में उसे जाना है, यानी सेकंड फ्लोर पर, और उसके पास वहां जाने के लिए कोई पास नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं, कुछ देर के लिए मुझे अपना पास दे दीजिए प्लीज। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा हॉस्पिटल के अंदर जाना है तो जरूर उसका अपना कोई जानकार एडमिट होगा, बेचारा मजबूर है, चलो कोई बात नहीं, पास का क्या है, वो तो वापस ही मिल जाएगा। तो मैंने उसे अपना पास दे दिया और मैं हॉस्पिटल की कैंटीन में कुछ खाने के लिए चला गया। इस बात को काफी समय निकल गया और वो व्यक्ति पास लौटाने नहीं आया। तो मैंने उसे हॉस्पिटल में ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। इतने में हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड का मेरे पास फोन आया और मुझे नीचे बुलाया गया। मैं नीचे गया तो मुझे पता चला कि वो व्यक्ति एक चोर था जो चोरी करने के मकसद से हॉस्पिटल में घुसा था। उसके पास हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए एंट्री पास नहीं था,
इसलिए उसने झूठ बोलकर मुझसे पास लिया था और मैंने तो उसकी मदद करने के लिहाज से उसे अपना पास दिया था। मैं बहुत हताश हो गया क्योंकि उस पास के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था और मेरा भतीजा आईसीयू में था। मुझे भी अब वहां जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि मेरे पास नहीं था। उस व्यक्ति ने मेरे पास की मदद से हॉस्पिटल में घुसकर एक आदमी का फोन चुरा लिया था और चुपचाप वहां से भागने ही वाला था। लेकिन कहते हैं ना, जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हुआ यूं कि फोन चोरी करके बहुत आसानी से वो हॉस्पिटल से निकल ही रहा था कि अचानक न जाने उसे क्या हुआ कि हॉस्पिटल के गार्ड के बिल्कुल करीब पहुंचते ही उसने नजर बचाते हुए भागने की कोशिश की, पर वो पकड़ा गया। फिर पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने उसकी चेकिंग की तो उसके पास एक मोबाइल फोन मिला और साथ ही हॉस्पिटल का एक पास भी मिला। जब पास की चेकिंग की गई तो मुझे बुलाया गया क्योंकि उस पास में सारी जानकारी मेरी ही थी। मैं बहुत डर गया था। मैंने तुरंत बाबा को याद किया और कहा, बाबा अब तुम ही कोई रास्ता निकालो बाबा। जब मैं नीचे पहुंचा तो पुलिस ने मुझसे भी पूछताछ की और उन्होंने मुझसे पूछा कि पास तो आपका है। मैंने कहा, जी हाँ ये पास मेरा ही है। पुलिस ने पूछा कि चोर के पास कैसे आया, तो मैंने कहा कि चोर ने मुझसे ये कहा था कि उसे अपने किसी रिश्तेदार को देखने ऊपर जाना है, इसलिए उसने मुझसे मांगा और मैंने भी उसे अपना पास दे दिया। पुलिस को मुझ पर शक हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि लगता है तुम दोनों ही मिले हुए हो। मैंने पुलिस को बहुत समझाया लेकिन पुलिस ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे भी साथ लेकर जेल जाने लगे। तो उसी क्षण उस चोर ने हाथ जोड़कर कहा कि बच्चे की कोई गलती नहीं है बाबूजी, मैंने ही झूठ बोलकर उससे उसका पास लिया था। उसकी सफाई सुनने के बाद पुलिस ने मुझे छोड़ दिया। अगर उस दिन वो चोर वहां से भाग जाता तो वो पास उसी के पास चला जाता और मेरा भतीजा जो आईसीयू में एडमिट था उस तक पहुंच पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन शायद बाबा का कोई चमत्कार ही था जो वो चोर पकड़ लिया गया और उसके पास से मेरा पास भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने भी मुझे छोड़ दिया। इस तरह परमपिता शिव बाबा ने मेरी मदद की। धन्यवाद प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपके भी अपने कोई अनुभव हैं जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। हम आपके लिए यूं ही भाई बहनों के अनुभव लेकर आते रहेंगे। आप अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें। ओम शांति।